टॉटनहम के अगेंस्ट हम लोग खेल रहे हैं अभी ये वीकेंड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है। 12 गेम और 16 पॉइंट है, लगी पड़ी भी है इन द वर्ड्स ऑफ जैकी श्रॉफ प्रीमियर लीग में। निधि, तेरे हम्बल ओपिनियन में हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस गेम अगेंस्ट टॉटनहम? इट इज हर बार हम लोग यही बोलते हैं कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम, इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट गेम नहीं है। बट हम लोग अभी तक एक भी अवे मैच नहीं जीते हैं भाई प्रीमियर लीग में, राइट? एंड जो भी बोलते हैं, रिगार्डलेस वट एवर इज हैपनिंग अराउंड एवरीवेयर, ये मैच जीतना और जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योरली बिकॉज अभी अगर नहीं जीते तो प्रीमियर लीग टॉप फोर छोड़ दे, मतलब इट इज गोइंग इन टू सीरियस क्राइसिस। ऐसा नहीं हो कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो तो हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल में रहे, वो करेंगे तो हाँ जनवरी ट्रांसफर विंडो भी अफेक्ट होगा, सब कुछ अफेक्ट होगा। तो उस हिसाब से तो इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल दिस गेम। हाँ मैं तो नीचे बोला था कि अगर हम लोग लीड्स या नॉटिंगहम फॉरेस्ट से हार गए तो हमारा टॉप फोर गया, पर दोनों मैं से हार तो आई स्टिल फील अभी भी मेरे को नहीं लगता कि हम लोग हैं रेस में। ऑनेस्टली बहुत दूर है फिलहाल, बट अगर ये गेम हार गए तो फिर पक्का ही वो बात सीमेंट हो जाती है, क्योंकि स्पर्स विल लाइक लीप फ्रॉग अस। एंड हाउ, वो 6 पॉइंटर वाली चीज हो गई ना, हम लोग 16 पे 16 रहेंगे, स्पर्स जो हमारे राइवल हैं वो और ऊपर चले जाएंगे। चेल्सी आर्सेनल एक तो विल ड्रॉप पॉइंट्स, बट रियलिटी ये है कि इवन इफ दे ड्रॉ एंड इफ यू लूज अगेंस्ट टॉटनहम, इट्स जस्ट टू टफ राइट नाउ। वी आर इन अ पोजिशन वेयर अनलेस वी टेक 6 पॉइंट्स आउट ऑफ 6, वो चल प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जाने दे। वो जो फील गुड फैक्टर है निधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल, जो चैंपियंस लीग ने रखा है हमारे लिए ये सीजन। और चैंपियंस लीग फेब में अभी, यू नो, सो वी हैव टू हैव सम पॉजिटिव मैन इन द प्रीमियर लीग नाउ। हाई हंड्रेड टाइम वी परसेंट विन एन अवे गेम। अरे यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर ये मैच हार गए ना तो मतलब पूरे जो चैंपियंस लीग के वजह से, क्योंकि अभी नापोली को हराया है तो एक वो यू नो दैट थिंग इज देयर कि भाई वी've एंडेड अनदर टीम्स अनबीटन रन। पॉजिटिविटी है कि नापोली ने इतना नाम है बट वी've एंडेड द सेम, एंडेड द ग्रुप विद द सेम पॉइंट्स एज देम, तो वो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। और ये मैच हारने से या ड्रॉ करने से फिर अगेन वी आर वे, हम लोग अभी 8 पॉइंट पीछे हैं। ये मैच हार गए तो पता नहीं, डिपेंडिंग ऑन दूसरे टीम्स के साथ होता है तो इट विल डेफिनेटली बी इन डबल डिजिट्स। तो जो तू बोल रहा है वही बात है, मतलब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा स्पर्स का भी। एक चीज मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, डू यू थिंक इट इज अ गुड टाइम टू प्ले स्पर्स, क्योंकि उनके कुछ अगेन इंजरीज आर नेवर गुड टू हैपन टू एनी टीम, बट गिवन हाउ दे आर, नॉट दैट हम लोग कोई बहुत अच्छे कंडीशन में है, बट परहैप्स इट इज अ बेटर टाइम टू प्ले स्पर्स। हाँ, रोमेरो नहीं है, सॉन नहीं है, रिचालिसन नहीं है, बेंटनकोर इज डाउटफुल, उसका पार्टनरशिप विद हॉइबियर दिस सीजन हैज बीन अमेजिंग, सो अगर बेंटनकोर नहीं तो स्किप शायद से खेलेगा और सेम लेवल नहीं है वो। कुलिसेवस्की इज लिस्टेड डाउटफुल, ही डिडंट प्ले फॉर अ फ्यू गेम्स, शायद से वो स्टार्ट करे। बट क्या है ना, हमको अगर लास्ट कपल ऑफ टाइम्स उन्हें देखा है निधि, उनका जो काउंटर हैज हर्ट अस सॉन एंड केन, सॉन नहीं है ना तो वो बहुत बड़ा मिस है, और अगर बेंटनकोर निकाल दे बीच में से तो बहुत बड़ा मिस है, और रोमेरो तो मतलब लिटरली उनका कोर में इशू है। दैट बीइंग सेड, स्पर्स वाइट पैंथर निधि। हाँ, मतलब हमको कुछ पिटिशन डालना चाहिए कि हमको नहीं, हम भी व्हाइट नहीं पहन सकते क्यों, हम भी बहुत खराब खेलते हैं व्हाइट पहन के। हमको कुछ बोलना मतलब चाहिए जिधर यार भी कि व्हाइट जर्सी इन्वॉल्व है, हम लोग खुद भी पहने तो भी बात है मतलब। हाँ, उनको बोलना चाहिए कि भैया तुम कुछ ब्लू पहन लो, जो तुम पहनते हो वैसे वैसा कुछ पहन। बट नहीं यार, देख स्पर्स रिगार्डलेस ऑफ द प्लेयर्स दे आर मिसिंग, बहुत टफ गेम होने वाला है, अवे है, कॉन्टे विल ट्राई टू जो उसका कंडीशन है उसके बेसिस पे कॉन्टे विल ट्राई टू यू नो मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस, वो केजी बनाएगा उस चीज को, हाँ ही विल मेक हाँ इट यू नो एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल फॉर अस टू एग्जीक्यूट समथिंग। अब या उसमें हम लोग क्या करते हैं वो देखना होगा तेरे हिसाब से आई स्टार्ट। थिंक, हाँ वो मैं उस पे आ रहा था, आई थिंक वी हैव टू अनलीश द केओस। हाँ, आई थिंक लॉट ऑफ केओस हैज टू स्टार्ट। वो नैपली के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं किया तो हमको ये मैच में उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब इशू ये है कि लॉर्ड ऑफ केओस को खिलाओगे तो फिर 4-3-3 खेलेंगे, क्योंकि नैपली के साथ तो काम किया था,
क्योंकि साला ने भी बोला कि 4-3-3 सूट्स बेस्ट, फिर लेफ्ट में किसको खिलाओगे, फर्मिनियो को ड्रॉप करोगे क्या, मतलब इट्स लाइट, इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तेरे हिसाब से स्टार्टिंग लाइनअप क्या होना चाहिए? बैक फोर में रॉबर्ट ट्रेंट कोनाटे हैज टू स्टार्ट, वैन डाइक एलिसन थियागो फेबिनो, आई थिंक हेंडरसन इज बैक फॉर दिस वन, हेंडो विल स्टार्ट दिस, देन फर्मिनो साला लॉर्ड ऑफ क्योस, फर्मिनो ऑन द लेफ्ट, फर्मिनो विल फ्लो, आई थिंक वो डायमंड वाला सीन होगा वापस, 4-4-2 टाइप्स, आई जस्ट गेट द फीलिंग यू हैव टू प्ले लॉर्ड ऑफ क्योस इन दिस, लाइक आई लव हाउ वी हैव एस्टैब्लिश, उसका नाम वही है, लाइक डार्विन हाँ नूनेस भाई नहीं बुला रहे उसको अभी, लॉर्ड ऑफ क्योस ही, सो लॉर्ड ऑफ क्योस हैज टू स्टार्ट, फर्मिनो हैज टू स्टार्ट, साला हैज टू स्टार्ट, और ये अच्छा टाइम है उनको खेलने के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा कुछ तो प्रेशर डालो, बिकॉज क्या है ना ब्रो, लाइक चेल्सी प्ले आर्सेनल एंड देन लास्ट गेम दे प्ले न्यूकासल, मतलब ऐसे घटिया सिचुएशन में होते हुए भी उम्मीद है थोड़ी नहीं थी जिंदगी में। हाँ मतलब उम्मीद तो यार कभी नहीं छोड़ सकते हम लोग, बट हाँ आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस गेम वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर। आपको क्या लगता है स्टार्टिंग लाइनअप में कौन कौन होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि अभी भी टॉप 4 के चांसेस हैं या नहीं? बाकी लिवरपूल वीडियोस तो इस चैनल पर हमेशा आते रहेंगे, देखते रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी हैव रीच 7,000 सब्सक्राइबर्स, सो लेट्स एम फॉर मोर। चीयर्स एंड रेड्स। लेट्स।